नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का स्टेटस कैसे चेक करें इस बारे में ये वीडियो है। अगर आपने डॉक्टर आवास नवीनीकरण योजना के तहत फार्म भरवाए हुए हैं, इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार को 80,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है मकान की मरम्मत करने के लिए। अगर आपने ये फार्म अप्लाई किया हुआ है तो इसका स्टेटस कैसे चेक करें इस बारे में ये वीडियो है। आपने अगर फार्म अप्लाई किया तो आपको स्टेटस चेक कर लेना चाहिए कि आपके फार्म में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है या आपका फार्म अब कितने परसेंट कंप्लीट हो चुका है, इस तरह की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन वगैरह होता तो उसको आपको हैंडल करना चाहिए, उसका रिप्लाई आपको देना चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का फार्म है, उसका स्टेटस कैसे चेक करें, इसके लिए सबसे पहले आपको sarlharyana.gov.in ये साइट आपको विजिट करना है। sarlharyana.gov.in ये हरियाणा के लिए स्कीम है, अन्य स्टेट में किसी और नाम से चलाई जा सकती है। हरियाणा में ये डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के नाम से चलाई जाती है और बीपीएल परिवार को इस योजना के तहत 80,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है मकान की मरम्मत करने के लिए। तो आपको sarlharyana.gov.in ये साइट विजिट करनी है। साइट विजिट करने के बाद इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा, ये होम पेज है साइट का। यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हो ट्रैक एप्लीकेशन अपील, ये जो आप ऊपर देख रहे हो सबसे ऊपर ट्रैक एप्लीकेशन अपील, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा और यहाँ पे आप देख रहे हो सेलेक्ट डिपार्टमेंट, सेलेक्ट सर्विस और एंटर योर एप्लीकेशन रेफरेंस आईडी। जो आपकी एप्लीकेशन रेफरेंस आईडी होती है उसके आधार पे ही आपकी जो सर्विस है वो ट्रैक हो सकती है। तो जब आपने सरल पोर्टल पे अप्लाई किया था, फार्म अप्लाई किया था, उस टाइम आपने फार्म अप्लाई करने के बाद आपको एक रसीद मिलती है। अगर आपने खुद अप्लाई किया है तो आपको फार्म सबमिट होने के बाद रसीद मिलती है, वो रसीद है उसके आधार पे, इस फार्म की रसीद है, वो इस तरह की आपको रसीद दिखाई देती है। जैसे ये यहाँ पे आप देखोगे सरल आईडी डी नोटिफाइड 2021 और आगे यहाँ पे नंबर होते हैं, आपके जो रिसीप्ट रसीद है उसका नंबर होगा यहाँ पे, इस तरह की आपके पास रसीद है। इस रसीद में ये जो आईडी है सरल आईडी है, इसके आधार पे आपका फार्म है वो ट्रैक होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है वेलफेयर SC VC, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है वेलफेयर SC & BC। ये फार्म है वो SC BC और जर्नल सभी कैटेगरी के लोग भर सकते हैं। पहले ये SC और BC कैटेगरी के लिए होता था, लेकिन अब ये SC कैटेगरी BC कैटेगरी जनरल कैटेगरी कोई भी ये फार्म अप्लाई कर सकता है। इसकी कंडीशन ये है कि बीपीएल फैमिली होनी चाहिए, परिवार की एनुअल इनकम है वो 1,80,000 से कम होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे वेलफेयर SC & BC और यहाँ पे आपको सर्विस का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप कई प्रकार की जो सर्विस है वो ट्रैक कर सकते हो, जैसे डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना यहाँ से ट्रैक कर सकते हो, डॉक्टर अंबेडकर नवीनीकरण योजना जो हम अभी चेक करेंगे ये चेक कर सकते हो, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, मुख्यमंत्री सामाजिक अंतरजातीय समरसता योजना, ये कई प्रकार की पॉपुलर स्कीम है, वेलफेयर स्कीम है, वो यहाँ से आप पर ट्रैक कर सकते हो। तो अभी हम डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का फार्म है वो चेक करेंगे। तो हमें ये सेलेक्ट कर लेना डॉक्टर अंबेडकर नवीनीकरण योजना और यहाँ पे हमारे को जो सरल आईडी है वो आईडी यहाँ पे डालनी है। ये जो सरल आईडी है जो आप देख रहे हो ये आईडी वहां पे डाल देनी है, ठीक है। आप अपनी आईडी वहां पे डाल दीजिए, मैं आपको एक डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे इस कॉलम में आईडी फिल करने के बाद चेक स्टेटस पे क्लिक कीजिए। चेक स्टेटस पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने नया पेज खुलेगा। जैसे ये जो आईडी है इसको लाभ है वो मिल चुका है, ये 100% दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे ये जो लाभ है वो इनको मिल चुका है एप्लीकेंट को, यानी कि ये फार्म है वो अप्रूव्ड हो चुका है। यहाँ देखोगे आप रिमार्क्स में डियर एप्लीकेंट योर पेमेंट रिलीज्ड, यहाँ पे यानी कि इनको जो लाभ है वो मिल चुका है डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का। अगर आपका स्टेटस इस तरह से आता है तो आपका जो लाभ है वो आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ तक आपका दिखाई देता है 60% तक दिखाई देता है केस अप्रूवल तक, कई बार ये होता है कि 60% पे आके और फार्म है वो रुक जाता है, केस अप्रूवल पे आके यहाँ पे रुक जाता है। तो यहाँ पे भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका जो फार्म है वो अप्रूव्ड है, केस है वो अप्रूवल हो चुका है। जैसे ही डिपार्टमेंट के पास बजट आता है तो वो आपके अकाउंट में पैसे हैं वो भेज देते हैं। पैसे भेजने के बाद 100% दिखाएगा। अगर आपका केस अप्रूव्ड हो गया है और होल्ड दिखा रहा है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम एक आईडी और चेक करके देखते हैं, तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, SC BC वेलफेयर SC BC यहाँ पे डिपार्टमेंट है वो सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे सर्विस का नाम डॉक्टर अंबेडकर नवीनीकरण योजना, अभी नवीनीकरण योजना का चेक करें नवीनीकरण योजना, और यहाँ पे आपको आईडी डालनी है और चेक स्टेटस पे क्लिक कर देना है। तो इस आईडी का स्टेटस चेक करने के बाद यहाँ पे 10% कंप्लीट दिखा रहा है एप्लीकेशन सबमिशन, और यहाँ देखोगे आप रिमार्क्स में तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है DWO हैज रेज ऑब्जेक्शन हाउस फोटो नोट फ्रंट ऑफ योर हाउस,
मेन गेट, यानी कि इसमें ऑब्जेक्शन है इस आईडी पे, तो इनकी जो फोटो है वो मेन गेट के सामने नहीं है, घर के सामने खड़े होकर आपको फोटो अपलोड करनी होती है। आप जब भी ये फॉर्म अप्लाई करो तो अपने घर की दो या तीन फोटो आपको अपलोड करनी है, जो कि मेन गेट के सामने भी आपकी फोटो होनी चाहिए, अंदर की भी फोटो होनी चाहिए। इस तरह की आपकी फोटो है वो दो तीन फोटो आपको अपलोड करनी होती है, अटैच करनी होती है साथ में। तो इनका है वो अभी ऑब्जेक्शन है, 10% दिखा रहा है यहाँ पे। अगर आपके फॉर्म में कोई ऑब्जेक्शन है तो आपको ऑब्जेक्शन कैसे रिप्लाई करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपके फार्म में भी ऑब्जेक्शन है तो सबसे पहले अपना फार्म ट्रैक कीजिए। ट्रैक करने के बाद आपको ऑब्जेक्शन का यहाँ से पता लग जाएगा। रिमार्क्स में आप देखिए कि क्या ऑब्जेक्शन है, क्या नए डॉक्यूमेंट मांग रखे हैं, वो आप यहाँ से चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आपको ऑब्जेक्शन रिप्लाई कर देना है। ऑब्जेक्शन रिप्लाई करने के लिए आपको साइट विजिट करनी है, scbc.haryana.gov.in, ये साइट आपको विजिट करनी है। और इस साइट पे जाके आप ऑब्जेक्शन रिप्लाई कर सकते हो, या फिर आपको डिपार्टमेंट में कंफर्म कर लेना चाहिए। इसके लिए आपको डिपार्टमेंट विजिट करना चाहिए, समाज कल्याण विभाग में जाना चाहिए, और आपको ये कंफर्म करना चाहिए कि क्या क्या नए डॉक्यूमेंट और लगाने की ज़रूरत है, किस चीज़ का ऑब्जेक्शन है। आपको डिटेल में जानकारी लेने के बाद आप डिपार्टमेंट के द्वारा ऑब्जेक्शन है वो रिप्लाई करवा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना ऑब्जेक्शन है वो रिप्लाई करवा सकते हो। तो ये थी जानकारी आपके फार्म का स्टेटस ट्रैक करने के बारे में। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। अगर आपने डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के अंतर्गत फार्म अप्लाई किया हुआ है तो आपको स्टेटस चेक कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका फार्म ऑब्जेक्शन में हो और आप वेट कर रहे हो कि पेमेंट अभी तक नहीं आई है। काफी लोगों के साथ ऐसा होता भी है। तो सबसे पहले स्टेटस चेक कर लीजिए। स्टेटस चेक करने के बाद जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है तो वो आपको अपलोड कर देना है। अगर आपका फार्म कंप्लीट हो चुका है तो अच्छी बात है, अगर आपका फार्म 60% कंप्लीट हुआ है तो आप निश्चित रहिए आपकी पेमेंट आ जाएगी। अगर ऑन होल्ड दिखा रहा है तो आपकी पेमेंट आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपना स्टेटस चेक कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है और आपके लिए बेनिफिशियल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जिसने ये फार्म अप्लाई कर रखा है उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको जानकारी मिल सके। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।